जय हिंद। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत करिए। इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बन चुकी है, बट इस टॉपिक का कोई भी सॉल्यूशन अभी नहीं निकला है, बट मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। बात करी जाए आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड की, तो आईफोन के अंदर खुद का एक फीचर होता है जिससे आप इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टीममेट से बात भी कर सकते हैं। बट एंड्रॉयड में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है, हमें अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। बट मैं ऐसी कुछ दो ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपके काम आने वाली है, तो इस वीडियो पर बने रहिए और पूरा देखिए। ओके, तो अब इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करना है आपको, तो इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने के लिए आप कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हो। आप कंफ्यूज मत हो क्योंकि सब ही ऐप वर्क करेंगे, बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो आप एज एड स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने गेमिंग इंटरनल गेमिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब इसका प्रोसेस बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। ओके, तो सेकेंड चीज़ ईयरफोन, थर्ड क्लिप। अब इन दोनों के साथ हम इंटरनल साउंड कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब उस डिवाइस को लीजिए जिस डिवाइस में आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करना है, साथ ही साथ ईयरफोन और एक क्लिप। तो देखिए अब क्या करना है कि आपको ईयरफोन ऐसे लगा देना है मोबाइल में। अब क्लिप को क्या करना है कि आपको इस बटन पे ऐसा प्रेस करना है जिससे आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाए। ये मैं कर देता हूँ प्रेस। देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस होगा और फिर ऐसा खुलेगा, तो इसको आपको बैक करना है। अब इस चीज़ को नोटिस करिए कि जब आप इस चीज़ इस क्लिप को आप जब यहाँ पे लगाएंगे तब आपका इंटरनल साउंड ही रिकॉर्ड होगा, एक्सटर्नल साउंड कुछ भी नहीं होगा। आप जब अगर टीममेट से बात करना भी चाहेंगे तो भी आप टीममेट से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भूल जाइए कि आप एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्ड कर पाएंगे, सिर्फ इंटरनल ही कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बात करी जाए सेकेंड ट्रिक की, तो देखिए सेकेंड ट्रिक आपकी 100% वर्क करेगी। आप इसमें इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टीममेट से बात भी कर सकते हैं। तो हमें जाना है गूगल प्ले में। ओके, तो गूगल प्ले में हम जाएंगे, हम गूगल प्ले ओपन कर लेते हैं, हम इसमें ईमेल आईडी हमारी डाल देते हैं। देखिए जब आप गूगल प्ले खोलेंगे तो कुछ इस तरह का खुलेगा। तो हमें जाना है लाइब्रेरी जो कि नीचे दिया है, होम लाइब्रेरी प्रोफाइल। तो हमें लाइब्रेरी में जाना है और हमें उस गेम को चूज़ करना है जिस गेम का हमें इंटरनल साउंड प्लस टीममेट से बात भी कर सके। ओके, तो हम जाते हैं पबजी पे, टच करते हैं। अब देखिए अब आपको प्ले पे टच नहीं करना है, आप सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर देखिए तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उसमें जो मिडिल वाला ऑप्शन है 3 डॉट के लेफ्ट वाला रिकॉर्डिंग का, उस पर क्लिक करिए। और इसमें आपको दो ऑप्शन मांगेगा, 720p HD या फिर 480p HD। तो हम 720 ले लेते हैं, इसे लॉन्च करते हैं। जब ओके फ्रेंड्स, तो हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। जब आप गूगल प्ले से जब गेम को रिकॉर्ड करोगे, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो रिकॉर्डिंग है ये वो उसी डिवाइस में वर्क करेगी जिसका डिवाइस 4GB या फिर 4GB से ऊपर का होगा। बिकॉज अगर आप 3GB से अगर चलाते भी हैं तो उसमें गेम या फिर लैग होगा या फिर आपका गेम बहुत स्लो चलेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये जो आवाज़ आ रही है, ये मेरे पास भी कोई खास अच्छा डिवाइस नहीं है। तो जब आप 4GB की तक का कोई सेलफोन यूज़ करेंगे तो जो ये वॉइस है वो क्लियर आएगी और आपका साउंड गेम प्ले भी अच्छा आएगा, और आप साथ ही साथ आप टीममेट से ही बात कर पाओगे। क्योंकि मैं इस गेम में अपने टीममेट से ही बात कर रहा था, बट ये एडिटिंग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपने सेलफोन में तो अच्छे से देख पा रहा हूँ, बट आगे थोड़ा साउंड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करना, ये कोई फेक नहीं है, आप एक बार ट्राई करना ज़रूर। अगर बेकार लगे तो फिर आप डिसलाइक भी कर देना वीडियो को।